घटना हजारों साल पुरानी है। उन दिनों सूरज और पानी एक साथ रहते थे। वे पक्के दोस्त थे। रोज मिलना होता, उठना बैठना होता। हमेशा सूरज ही पानी के घर जाता। एक दिन सूरज पानी से कह उठा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। पानी बोला, ज़रूर पूछो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। सूरज ने पूछा, प्यारे भाई, तुम कभी भी मेरे घर क्यों नहीं आते? पानी ने जवाब दिया, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर हम सब लोग तुम्हारे यहाँ आ गए तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा। सूरज बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़ा सा घर बनवा लूँगा। पानी ने जवाब दिया, इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरे घर आए या मैं तुम्हारे घर गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सूरज बोला, मैं बहुत दिनों से नया घर बनवाने की सोच रहा था, पर किसी ना किसी वजह से यह काम अब तक टलता ही रहा। अब मैं फौरन नया घर बनवाना शुरू करूँगा। पानी ने कहा, प्यारे दोस्त, मेरा एक सुझाव सुन लो। जब अपना नया घर बनवाओ तब उसका अहाता बहुत बड़ा रखना। सूरज बोला, चिंता मत करो, जब आओगे तब घर देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। सूरज की बहुत प्यारी पत्नी थी चंदा। जब सूरज अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता तब वह घर पर उसका इंतज़ार करती। एक दिन सूरज को घर लौटने में बहुत देर हो गई थी। वह सोच रही थी, मालूम नहीं आज उन्हें इतनी देर क्यों हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, किससे उनका अता पता पूछूं? तभी अचानक दरवाजे पर थाप सुनाई दी। उसने तुरंत दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए अपने पति का स्वागत किया। सूरज बोला, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। चंदा बोली, वह क्या? सूरज ने कहा, कल से हम अपना नया घर बनवाना शुरू करेंगे। चंदा बोली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मन में यह विचार आया कैसे? सूरज ने सारी बात बता दी। सूरज नया घर बनवाने में जुट गया। उसने खूबसूरत घर बनवाया, अहाता भी खूब बड़ा रखा, जो भी देखता दंग रह जाता। एक दिन उसने पानी को घर आने का न्योता दिया। पानी चाहते हुए भी मना नहीं कर सका। अगले दिन पानी अपना पूरा परिवार लेकर सूरज के घर चला। पहुंचने पर सूरज को आवाज़ दी, फिर कहा, मैं सपरिवार आया हूँ, अगर सब लोग भीतर आ जाएं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। सूरज ने उत्तर दिया, परेशानी कैसी, एकदम नया घर है, खूब बड़ा अहाता है, अपने परिवार समेत बेदखल भीतर चले आओ।
पानी भीतर घुसा। ढेर सारी मछलियाँ, झींगे, केकड़े और न जाने कितनी तरह के जल जंतु उसके साथ साथ चले। अभी पूरा परिवार भीतर तक घुसा भी नहीं था कि घुटनों तक की जगह गिर गई। पानी ने फिर आवाज लगाई, प्यारे दोस्त अच्छी तरह देख लो कि सारे परिवार का भीतर आना ठीक भी है या नहीं। सुब्रज बोला, किसी तरह का सोच विचार मत करो, एकदम भीतर चले आओ। पानी से परिवार भीतर घुसता गया, सिर तक की जगह घिर गई। फिर भी परिवार पूरा ना आ पाया। उसने फिर पूछा, क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपना पूरा परिवार लेकर भीतर आऊं? इस बार सूरज और उसकी पत्नी चंदा ने एक साथ जवाब दिया, हाँ भाई, सब भीतर आ जाएंगे, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। यह सुन पानी सब परिवार भीतर बढ़ता गया। सूरज और चंदा को छत पर जाना पड़ा। पानी ने फिर से अपना पुराना प्रश्न दोहराया। सूरज की ओर से भी पहले वाला जवाब आया, पानी का परिवार भीतर घुसा तो सूरज और चंदा को छत भी खाली करनी पड़ी। वे दोनों आकाश में चले गए। कहते हैं कि तब से वे दोनों वहीं रहते हैं।